हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 2 से 3 बहुत ही लेटेस्ट और बड़े अपडेट लेकर आया हूं मैं। जी हां दोस्तों, पहला बड़ा अपडेट है आपके एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के। दूसरा बड़ा अपडेट देने वाला हूँ मैं जून में जो रिटायरमेंट होंगे पेंशनर्स, उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, 2 बड़े अपडेट मैं देने वाला हूँ। उसके अलावा एक और बड़ा अपडेट है, जी हाँ दोस्तों, आपके स्पर्श पोर्टल से रिलेटेड तीनों के तीनों अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, घंटे के निशान को जरूर दबाइए, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें या बोल सकते हैं बहुत सारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है कि वैसे पेंशनर्स जो अभी तक स्पर्श पोर्टल में माइग्रेट नहीं हुए हैं तो उनके पेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको मैसेज भी आ चुके हैं कई बार, लेकिन अभी माइग्रेट नहीं हो पाए हैं। इसके चलते उनकी कई सारी पेंशन रुक जाती है या कई सारे जो DA या इसके अलावा अदर अलाउंसेस होते हैं वो उनके खाते में नहीं पहुँच पाए हैं। तो आप कन्फर्म कर लीजिए कि आप अपने स्पर्श पोर्टल में पूरी तरह से लॉग इन हो चुके हैं या पूरी तरह से माइग्रेट हो चुके हैं कि नहीं, क्योंकि स्पर्श पोर्टल पर मोस्टली पेंशनर्स को उस पर माइग्रेट कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर आपको मैं देने जा रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है आपके जून में रिटायरमेंट होने वाले पेंशनर्स के लिए। तो जून में रिटायरमेंट होने वाले पेंशनर्स को अभी मीडिया में सी खबर आ रही है कि जो कि जितने भी फ़ायदे होंगे, चाहे वो DA एरियर्स हो और इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेचुटी बेनिफिट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो सब जून महीने में रिटायरमेंट होने वाले पेंशनर्स को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो वाकई में पेंशनर्स के लिए थोड़ी सी राहत मिल सकती है जो स्पेशली जून में रिटायरमेंट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जून में रिटायरमेंट होने वालों को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जुलाई से बाकी सारी चीज़ें ऐड उसमें होती हैं। तीसरी बड़ी खबर देने वाला हूं मैं आपके DA एरियर्स से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी कमेंट्स कर रहे थे कि उनके DA का एरियर्स अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। तो आप अपने बैंक्स में जाकर चेक करिए कि अभी तक खातों में क्यों नहीं आया, क्योंकि मोस्टली पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे कि उनका जो DA एरियर्स था 3 मंथ्स का, वो उनके खातों में पहुँच चुका था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके खातों में आपका DA एरियर्स अभी तक आया या नहीं आया। अगर आया तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और जिनका नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में नो जरूर लिखिएगा, ताकि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड की जा सके। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।